नमस्कार दोस्तों, पारा शिक्षकों के न्यूज़ अपडेट में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, लंबे समय तक पारा शिक्षकों ने अपने रोजगार को लेकर लंबी लड़ाई लड़ी है। कई वर्षों के आंदोलन के बाद पिछले 5 सालों में पारा शिक्षकों को मजबूत सरकार से उम्मीद थी कि इस मजबूत सरकार के कार्यकाल में उनका उद्धार होगा। दोस्तों, पारा शिक्षकों में स्थायीकरण और वेतनमान को लेकर लड़ाई बहुत मजबूत हो चुकी है। हाल ही के दिनों में सरकार ने समझौता किया कि पारा शिक्षकों के लिए नियमावली का निर्माण किया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो 90 दिन का समय सरकार की ओर से लिया गया। पारा शिक्षक इंतज़ार करते रह गए, समय बीतता गया। दोस्तों, एक बार फिर पारा शिक्षकों में मायूसी छाने लगी थी। ऐसे मौक़ों पर पारा शिक्षकों के प्रतिनिधियों द्वारा आंदोलन करने की चेतावनी के बाद सरकार पुनः जागी। राज्य के प्रधान सचिव सुनील कुमार वर्णवाल के द्वारा हस्तक्षेप किया गया और समझौता किया गया कि 17 सितंबर को उच्च स्तरीय बैठक रखी गई है, जिसमें पारा शिक्षकों की नियमावली को लेकर बेहद महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा। दोस्तों, पारा शिक्षकों में एक बार फिर अपने आंदोलन के कर्मों का फल पाने की उम्मीद जगी। दोस्तों, 17 सितंबर की बैठक में शामिल होने के लिए पारा शिक्षकों के प्रतिनिधियों के द्वारा सरकार की ओर से आमंत्रण की चिट्ठी मिलने की आश में जयंत मिश्रा से बातचीत किया गया। दोस्तों, जयंत मिश्रा ने बताया कि राज्य के विकास आयुक्त श्री सुखदेव सिंह जी 17 सितंबर को अनुपस्थित रहेंगे। ऐसे में 17 सितंबर की जो सुनियोजित उच्च स्तरीय बैठक है वो स्थगित की जाती है और उसके स्थान पर 21 सितंबर को यह उच्च स्तरीय कमेटी यानी उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों, इसी दौरान एक सरकार द्वारा कैबिनेट के किसी अन्य फैसले की अधिसूचना जारी की जाती है, जिसमें राज्य के विकास आयुक्त श्री सुखदेव सिंह जी का हस्ताक्षर है। ऐसे में दोस्तों, 17 सितंबर को सुखदेव सिंह जी के द्वारा कहीं अन्यत्र जाने की बात कहकर उच्च स्तरीय बैठक को टालना कहीं ना कहीं सरकार पारा शिक्षकों के साथ छल करने की मंशा को दिखाती है। दोस्तों, ऐसे में पारा शिक्षक छले जा रहे हैं। अभी तक पारा शिक्षकों को आंदोलन के दौरान आश्वासन के अलावा कुछ भी हाथ नसीब नहीं आया है। दोस्तों, कई पारा शिक्षकों ने अब अविलंब हड़ताल के घोषणा किए जाने की मांग की है। दोस्तों, पारा शिक्षकों का भविष्य का क्या होगा, आने वाला वक्त तय करेगा।